चाहता हूँ भारत के संविधान निर्माण के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट से शुरू करके मेरा वक्तव्य शुरू करना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने एक बात बताया था, अगर किसी आदमी को किसी समुदाय को अगर ताकत मिलना है तो उसके पास सबसे पहले एक चीज की बहुत जरूरी है, वो है राजनीतिक क्षमता, पॉलिटिकल पावर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड मेड अ वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। आई कोट ओवर हियर, पॉलिटिकल पावर इज द मेन की by which you can open either a small or big law. राजनीतिक क्षमता ऐसा एक चाबी है जिस चाबी के द्वारा आप वो सोते हो बोले हो ताला को खोल सकते हैं। आज हिंदुस्तान में जितने ट्राइबल लोग हैं, दलित वर्गों के लोग हैं, उनके पास राजनीतिक क्षमता नहीं है। Today, in the hands of the tribals, in the hands of the downtrodden and belittled people, they don't have political power. And because of the lack of political power in their hands, they have been suppressed, oppressed, misrule. They could not get justice. Whereas this India is the land of Mahatma Gandhi, लैंड ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का देश है। शायद दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का देश है, लोकतंत्र का देश है। लेकिन आज जिन लोग इस देश को चलाने के लिए मौका मिलते हैं, मौका लेते हैं, उन लोग बहुत धोखेबाज करते हैं। आप लोगों को याद है 2014 साल में जब लोकसभा का निर्वाचन हुआ था, चाहे वो आसाम के क्षेत्र में हो, चाहे वो विदर्भ के क्षेत्र में हो, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वादा किया था कि अगर दिल्ली में बीजेपी का सरकार अगर बन पाए तो विदर्भ का मंदिर करेंगे, बदलन का जो मसला उसको हल करेंगे। लेकिन आज मोदी हिंदुस्तान के इस दिल्ली के राज दरबार में, हिंदुस्तान के सरकार की कुर्सी में बैठकर बीत चुका है। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी आज वो दो लोगों को जो वादा किया था, विदर्भ वासियों को जो वादा किया था, उस वादा को आज तक नहीं निभाया है। It is a great kind of cheating, political mockery. एक बहुत धोखेबाज है। जिस ढंग से सरकार हिंदुस्तान के तमाम लोगों को धोखेबाज कर रहा है, 2019 साल में जो निर्वाचन आ रहा है, उस निर्वाचन में बीजेपी पार्टी का डाउनफॉल अवश्य संभव है। मैं आप सभी लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं, अगर हमें अलग राज मिलना है तो हिंदुस्तान के इस दिल्ली में होने वाले जो संसद, जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में बोडोलैंड से, त्रिपुरा से, विदर्भ से, गोरखालैंड से, कुकीलैंड से, कार्बी आंग्लोंग से, बुंदेलखंड से कम 23-40-50 सांसदों को निर्वाचित करके हमको भेजना होगा। वी हैव टू सेंड मिनिमम एनीवेयर बिटवीन 20, 30 एंड 40 और 50 नंबर्स ऑफ एमपी टू इंडियन पार्लियामेंट टू माउंट ट्रेमेंडस प्रेशर अपॉन द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजन
to help create the much long awaited separate states of Bodoland, Gorkhaland, Tripuraland, Bijapur, Bundelkhand, so on and so forth. इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। इन शब्दों के साथ आप सभी लगन को हमेशा